बीएड सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या विषय के अंतर्गत आज हम ज्ञान की अवधारणा के अंतर्गत, क्योंकि अब तक हम ज्ञान क्या है उस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं कि ज्ञान क्या है, उसको किस तरह से परिभाषित किया गया है और ज्ञान के जो स्रोत क्षेत्र है वो किस तरह से मतलब ज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। आज हम देखेंगे कि ज्ञान की कौन मतलब ज्ञान को कितने भागों में बांटा जा सकता है या हम ज्ञान को किस किस रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान को दो भागों में बांटा गया, दो प्रकार का ज्ञान माना गया है। अभी दो प्रकार का ज्ञान कौन कौन सा है? पहला है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, और दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। अभी हम इसकी सैद्धांतिक बात पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहली चीज सिर्फ शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर इसको समझे कि सामान्य ज्ञान क्या है और विशिष्ट ज्ञान क्या है। सामान्य ज्ञान जो कि एक सामान्य स्तर का ज्ञान होता है, जो प्रत्येक सामान्य स्तर का होता है और प्रत्येक व्यक्ति इसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। विशिष्ट ज्ञान जो विशिष्ट होता है या जो कहा जाए कि जिसके विशिष्ट क्षेत्र होते हैं और जिन्हें विशिष्ट व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वे व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं जिनकी उसमें रुचि हो, जिसको उनकी योग्यता हो, जो विशिष्ट उससे संबंधित ज्ञान को और आगे अर्जित करते जा रहे हैं वही उस विशिष्ट ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। और सामान्य ज्ञान जो कि सभी व्यक्ति सामान्य रूप से जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगर और सरल शब्दों में समझा जाए, अगर हम केवल एक उदाहरण के तौर पर देखें तो जो हमारे विद्यालयों के विषयों का जो चुनाव विषय जो होते हैं, एक तो होते हैं अनिवार्य विषय, अनिवार्य विषय, और एक होते हैं ऐच्छिक विषय। अगर हम इनको समझे तो अनिवार्य यानी कि सामान्य ज्ञान, यानी कि सभी को ये प्राप्त करना अनिवार्य है जो उनके प्राप्त करने योग्य है, और ऐच्छिक विषय यानी कि विशिष्ट ज्ञान। इसका मतलब बात स्पष्ट है कि सामान्य ज्ञान जो सामान्य स्तर का होता है सभी व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, विशिष्ट ज्ञान जो कि विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और, क्योंकि ये एक ज्ञान की जब बात हो रही है तो निश्चित है कि ये एक पौराणिक दृष्टिकोण से कहा जाए या दर्शन की जो प्रारंभिक अवस्था थी उस दृष्टिकोण से उस तत्कालिक समय में ज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया, तो विशिष्ट ज्ञान हो जो पारंपरिक ज्ञान है। पारलौकिक ज्ञान है और सामान्य ज्ञान जो भौतिक वस्तु को जो जानना जाता है वह सामान्य ज्ञान है। यानी कि ये चीज स्पष्ट कि सामान्य ज्ञान जो सामान्य व्यक्ति अर्जित करता है, यानी कि भौतिक वस्तुएं जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती समझ में आती है, जिसको देख छू समझ पा सकता है, वो ज्ञान भौतिक ज्ञान के अंतर्गत सामान्य ज्ञान आता है। विशिष्ट ज्ञान जो पारलौकिक ज्ञान है जो दिखाई नहीं देता, यानी कि यहाँ पर मूर्त है और ये अमूर्त है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसकी अनुभूति मात्र होती है उसके आधार पर, यानी जैसे कि आत्मा और परमात्मा। क्योंकि आदर्शवाद का मानना यह है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष कब होगी? जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो वही चीज विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत आती है कि उसमें व्यक्ति को जो विशिष्ट ज्ञान, ये जो आत्मा क्या है ये हर कोई नहीं समझ सकता, परमात्मा क्या है ये हम नहीं समझ। सामान्य रूप से हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो ईश्वरीय मूर्ति आदि होती है, जो हम विश्वास रखते हैं वही परमात्मा है। लेकिन इस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार परमात्मा क्या हो सकता है? आपके जीवन का लक्ष्य वह जो आपको प्राप्त करना है, तो अपने प्रयासों के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति।
का मिलन कैसे हो सकता है या विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत आना। अब हमें समझना ये है कि सामान्य विशिष्ट ज्ञान में अंतर क्या है। इस चीज को सामान्य विशिष्ट ज्ञान को और अच्छे से समझने के लिए हम इसके अंतर को समझेंगे। तो इसका जो पहली बात जो इसमें अंतर आती है या भौतिक जगत से संबंधित है, इसका संबंध भौतिक जगत से। यानी कि सामान्य ज्ञान का संबंध भौतिक जगत से है। भौतिक जगत जो कि हमें दिखाई देता है, जिसको हम स्वयं बनाते हैं, हम देखते हैं, परखते हैं, छूते हैं, उस आधार पर जिसको समझ सकते हैं वह भौतिक जगत से इसका संबंध होता है और इसका संबंध आध्यात्मिक जगत से होता है। आध्यात्मिक जगत से ठीक है, यानी कि ये आध्यात्मिक जगत से हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता। जिसकी रुचि होगी, जो इसको प्राप्त करना चाहेगा, वही व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो इससे अंतर है कि सामान्य ज्ञान परोक्ष रूप से दिखाई देता है, परोक्ष रूप से दिखाई देता है। यानी कि सामान्य ज्ञान जो दिखाई देता है और विशिष्ट ज्ञान दिखाई नहीं देता। सामान्य ज्ञान को देख सकते हैं, विशिष्ट ज्ञान को हम नहीं देख सकते। तीसरी बात आती है, ये सामान्य ज्ञान व्यवहार से संबंधित है। यानी कि ये मनुष्य किसके मनुष्य के व्यवहार से ये संबंधित है और इसका संबंध सांसारिक व्यवहार से। सांसारिक व्यवहार से इसका संबंध है, यानी कि इससे इसका संबंध मनुष्य के सामान्य उससे सामान्य ज्ञान का संबंध है। किसी सामान्य ज्ञान के आधार पर वो अपने दैनिक व्यवहार को उपयोग में लाता है और ये सांसारिक ज्ञान, यानी कि वह ज्ञान जो कि एक विशिष्ट व्यक्तित्व या विशिष्ट प्रकृति के लिए उपयोग में लाया जाता है, उस ज्ञान का वही ज्ञान विशिष्ट ज्ञान कहलाता है। चौथी बात है, इसका उपयोग सामान्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग, यानी कि इनका जो सामान्य ज्ञान का जो उपयोग है वो सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हर व्यक्ति जो एक सामान्य है, जो सामान्य सी बुद्धि रखता है, वह व्यक्ति भी इन सामान्य ज्ञान का उपयोग करता है। यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए उसे सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है और ये जो ज्ञान है विशिष्ट ज्ञान है, ये विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि विशिष्ट ज्ञान को विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा ही उपयोग में लाया जाता है। यानी कि वे व्यक्ति जिनको इसका ज्ञान होगा, हर कोई ऐसे ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता है। अगली बात है, इन्हें प्राप्त करने में कम समय लगता है, कम समय में प्राप्त। यानी कि सामान्य ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कम समय में होती है और विशिष्ट ज्ञान
विशिष्ट व्यक्तियों से सामान्य, यानी कि स्पष्ट है कि सामान्य ज्ञान जब तक नहीं होगा विशिष्टता तक नहीं पहुंच सकते हो। इसीलिए सामान्य ज्ञान का संबंध सामान्य विशिष्ट दोनों प्रकार के व्यक्तियों से होता है, जबकि दोनों प्रकार के ज्ञान से होता है, जबकि विशिष्ट ज्ञान का संबंध विशिष्ट से ही होता है, क्योंकि ये कुछ ही व्यक्ति इस विशिष्ट योग्यता तक पहुंचते हैं, विशिष्ट ज्ञान तक पहुंचते हैं। इसीलिए इन दोनों के संबंध में अंतर है। जब तक व्यक्ति को सामान्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह विशिष्ट ज्ञान तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए इसका संबंध दोनों से है और इसका संबंध विशिष्ट से ही है। अगली बात आती है सामान्य का उपयोग जीवन की सुख सुविधाओं के लिए होता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का जो उपयोग है व्यक्ति वो अपने जीवन की सुख सुविधाओं के लिए उपयोग करता है या उन्हें जुटाने के लिए उपयोग में लाता है, जबकि विशिष्ट ज्ञान की जो उपयोग है वो आत्मा की प्राप्ति या पारलौकिक आत्मा की शांति, यानी कि व्यक्ति आत्मा की शांति के लिए यानी कि स्वयं की संतुष्टि के लिए कह लो इसको विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करता है, जबकि ये जीवन के सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए इसका उपयोग व्यक्ति करता है। अगली बात जो अगला अंतर इन दोनों के बीच में आता है वो है कि सामान्य ज्ञान प्रयोग प्रदर्शन तथा विज्ञान प्रधान है। प्रयोग प्रदर्शन व विज्ञान प्रधान है, जबकि यह अनुभव तर्क व चिंतन प्रधान है। यानी कि सामान्य ज्ञान का संबंध किससे है या सामान्य ज्ञान किस तरह से है, इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं, किसी चीज का प्रयोग करते हैं तभी कोई चीज सामने निकल कर आती है। यानी कि ज्ञान की जो प्रारंभिक सामान्य अवस्था है, विशिष्ट ज्ञान की जो सामान्य अवस्था है वो प्रयोग है, क्योंकि जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक विशिष्टता तक नहीं पहुंचेगा। फिर प्रदर्शन, जिसका आसानी से प्रदर्शन किया जा सकता है, जिसको हम दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और विज्ञान, विज्ञान के समस्त प्रक्रियाएं इसके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित होती है, जबकि विशिष्ट ज्ञान जो कि अध्यात्म से जुड़ा है, आध्यात्मिक यानी कि मूढ़ चिंतन से जुड़ा है, तो उसका जो संबंध है जो कि इसका है उपयोग के अनुभव पर आधारित है। बिना अनुभव के व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता, तर्क चिंतन पर आधारित है। तर्क और चिंतन का होगा होगा तभी व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान तक पहुंच पाएगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। अंतिम बात है कि यह इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि इंद्रियों के स्थान पर यहां पर बौद्धिक शामिल, यानी कि सामान्य ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, आंख नाक कान त्वचा से छूकर समझकर स्वाद लेकर और चीज को समझा जा सकता है, जबकि विशिष्ट ज्ञान के लिए बौद्धिक क्षमताओं का होना अनिवार्य है। यानी कि विशिष्ट और सामान्य ज्ञान में आपको अंतर समझ में आया होगा कि विशिष्ट सामान्य ज्ञान जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयोगों वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और प्रदर्शनों के माध्यम से जिसका उपयोग वो करता है, जिसको सीखता है, जबकि विशिष्ट ज्ञान अध्यात्म से जुड़ा है, जिसमें चिंतन तर्क और मनन की विशेष आवश्यकता है, जो बौद्धिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे सामान्य जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करना नहीं, इसमें बौद्धिक क्षमता
लीजिए, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 के इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलिए, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलिए। निकलते समय मुंह पर मास्क लगाइए या कपड़ा बंद करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हाथों को सैनिटाइज करें।